नमस्कार दोस्तों, सर राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं बास शास्त्री। मित्रों, होली में आप अपने जीवन को बदल सकते हैं कुछ विशेष उपचार से। क्यों? क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। कहा जाता है कि होलिका दहन में आपकी जो भी निगेटिव चीजें हैं वो समाप्त हो जाती हैं और उसमें से पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त हो जाती है। अब क्या ऐसा करें जिससे आपकी निगेटिविटी समाप्त हो और आपको पॉजिटिव चीजें प्राप्त हो? इस वीडियो में हम आपको 3 बेहतरीन उपचार बताएंगे जिसका प्रयोग कई बार करके देखा गया है और अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अगर आपके जीवन में हर तरह की व्याधि है, शारीरिक, मानसिक, चिड़चिड़ापन पूरे परिवार में व्याप्त है, तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो पूरे घर को सुख और शांति दे? हाँ, होलिका दहन से पहले काली सरसों का उपटन बनाकर पूरे परिवार के शरीर पर लेपन करें और लेपन के बाद उसकी मैल को निकाल कर एक कागज में इकट्ठा कर लें और सबकी मैल को अलग अलग रखा जाए और उनकी लंबाई के नाप से काला धागा एक मैल को कागज की पोटली बनाकर उससे बांध कर ले जाएं और होलिका दहन में डालकर चले आए। यह पहली क्रिया है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, काली सरसों का उपटन बनाए, उपटन को शरीर पर मले, मलने के बाद जो मैल निकलती है उसको एक कागज में समेट लें और जिसके शरीर का उपटन मैल है उसके शरीर की पूरी लंबाई के बराबर काला धागा उसको लपेट कर एक पोटली बनाकर ले जाकर होलिका दहन में डाल दें। सभी तरह की निगेटिविटी को ले जाने वाला है। दूसरा उपचार, अगर आपको लगता है कि जैसे मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मैं अपने काम को कर नहीं पा रहा हूं, नशे से परेशान हूं, उदास हूं, परेशान, सारी चीजें आपको लगती हैं, तो क्या करें? काली सरसों को लेकर सर से 7 बार घुमाते हुए माँ दुर्गा के धूमावती मंत्र का जाप करना है। धूम धूम धूमावती स्वाहा, 7 टाइम धूम धूम धूमावती स्वाहा, 7 टाइम क्लॉकवाइज घुमाकर एक कागज में रख कर होलिका दहन में ले जाकर डाल दें। आपके शरीर पर जो भी निगेटिविटी है वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। तीसरा उपचार, घर में आर्थिक तंगी चल रही है, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, तो आप 125 ग्राम कपूर खरीद लें और मन ही मन माता लक्ष्मी को ध्यान करके अपने सर से 7 बार घुमाएं और ले जाकर जलती हुई होलिका में प्रवाहित कर दें, डाल दें और उस अग्निधारा में आपकी निगेटिविटी जलकर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ये 3 उपचार प्रयोग में कई बार किए गए और बेहतरीन परिणाम आए। आप भी करिए और इसका लाभ लीजिए। कोई भी उपचार करे, श्रद्धा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप इसको डालें तो महसूस करें कि आपकी निगेटिविटी खत्म हो रही है और भगवान का नाम लेते हुए घर वापस आए, पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। तो आपको होलिका की या कुछ विशेष क्रियाएं हमने आपको बताई जो आपके घर में सुख और समृद्धि लाएगी। अगर आपको वास्तु के बारे में जानना है या कुंडली दिखानी है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, सिद्धार्थ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें
ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।